सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे रहे आप लोग। स्वागत है फ्रेंड आज की इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले एक जो कि टचस्क्रीन पोर्टेबल स्पीकर की अनबॉक्सिंग। और जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो कि हमें देखने के लिए मिल जाता है स्पीकर। और साथ ही साथ ये जो कि स्पीकर ही नहीं तो ये हमें लैम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर से देख सकते हैं इतने सारे जो कि कलर हमें इसके साथ देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो कि लैम्प की तरफ भी आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप इसे एज ए स्पीकर की तरफ भी यूज कर सकते हो। और ये जो कि पूरी तरह से लैम्प देखने के लिए मिल जाता है वो टच स्क्रीन है। जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं टच स्क्रीन लैम्प देखने के लिए मिल जाता है। वो किस तरह से वर्क करता है जो कि वीडियो के आगे में आपको यहाँ पर से पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन में देने वालों। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने कई सारे जो कि मोड हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि ये जो कि लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हैं, बल्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं, एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम कॉल भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बिल्ट इन माइक्रोफोन भी देखने के लिए मिल जाता है। और इस जो कि लैम्प को अगर आप किसी होल्ड करना चाहते हैं या फिर किसी किधर भी इसे जो कि टांगना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर से आप टांग सकते हैं। यहाँ पर इसका जो कि मॉडल नंबर देखने के लिए मिल जाता है CL671। और इस तरह जो कि सारे इसके जो कि स्पेसिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो कि लैम्प हमें जो कि देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इसे करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं एक्चुअल में लैम्प हमें किस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके आपकी तरफ से। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके का बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि यहां पर आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो और अच्छे अच्छे गैजेट की अनबॉक्सिंग की वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए इसे ओपन करके लेते हैं। इसे ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर से इसे आपको ओपन करना रहेगा। और इसे मैंने अमेजोन से बाय किया, वो भी सिर्फ 400 रुपये के प्राइस से। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं अमेजोन की साइट का ये जो कि स्क्रीनशॉट है जहाँ पर इसे जो कि मैंने 400 रुपये में बाय किया। और 400 रुपये में जितने भी सारे जो कि फीचर हमें ऑफर करता है वो सच में यार कमाल के। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं ये वीडियो को देखने के बाद तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो बॉक्स में कुछ इस तरह से जो कि पैक होते हुए आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ दो केबल देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। पहले तो इसे जो कि चार्ज करने के लिए एक यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी केबल देखने के लिए मिल जाएगी और एक ऑक्स केबल देखने के लिए मिल जाते हैं। बाई चांस अगर इसकी जो कि बैटरी खत्म हो जाती है तो आप इसके जो कि ऑक्स केबल का यूज कर भर इसे जो कि दिन भर सॉन्ग से बजा सकते हो। चलिए इस लैम्प को भी इस जो कि रैपर से बाहर निकालते हैं और देखते हैं एक्चुअल में प्रोडक्ट हमें किस तरह से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कुछ इस से पूरी तरह से व्हाइट में कलर में ये जो कि देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये है ये जो कि आपको विजिबल होते हुए देखने के लिए मिल रहा होगा, ये है इसका जो कि स्पीकर। और यहाँ पर भी अगर हम टच करेंगे तो इसकी जो कि लाइट है वो हम जो कि कंट्रोल कर सकते हैं वो भी अपने जो कि हाथ के टच से। तो भी किस तरह से करना है इसे जो कि चालू करके मैं आपको वीडियो के आगे में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जैसे कि मैंने यहाँ पर से आपको बताया इसे जो कि टांगने के लिए आपको एक जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है तो कुछ इस तरह से हम जो कि इसे कहीं पर भी होल्ड कर सकते। साथ ही साथ अगर इसके बटन्स की बात करें तो यहाँ पर ऑन ऑफ बटन देखने के लिए मिल जाता है। इसे चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट का यहाँ पर हमें जो कि एक पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ ऑक्स केबल देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपके पास कोई भी यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर से लगा कर अपने जो कि सॉन्ग के उसे प्ले कर सकते हैं। यानी कि आपके जितने भी सारे जो कि प्रोडक्ट है जिसे हम जो कि सॉन्ग सुन सकते हैं उतने सारे का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इनमें से आपके पास कोई भी नहीं है, एक माइक्रो यूएसबी केबल नहीं, आपके पास कोई भी मोबाइल नहीं है तो आप इसमें एफएम भी सुन सकते हैं। बिल्ट इन एफएम का सपोर्ट भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए इसे जो ऑन करके लेते हैं और देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो इसे ऑन करने के लिए सिंपली ये बटन को आपको प्रेस करना पड़ेगा। और जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं जो कि चालू हो चुका है और इसका जो कि लैम्प है वो भी चालू हो चुका है। और यहाँ पर हमें जो कि बटन्स भी देखने के लिए मिल जाता है। एक मिनट इसे मैं ऑफ करके लेता हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से आपको बता पाऊँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मोड का बटन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कि एक मल्टी फंक्शनल की देखने के लिए मिल जाती है जो कि तीनों भी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ये जो कि इसके माइक्रोफोन है यानी कि इसके साथ आप जो कि कॉल भी ले सकते हैं। वो जो कि ये मोड का बटन एक्चुअली क्या करता है, अगर आप ब्लूटूथ के साथ सुनना चाहते हैं तो ब्लूटूथ में बाय डिफॉल्ट चालू होता है। अगर इसे मोड एक बार आप प्रेस करेंगे तो ये एफएम में चला जाएगा। एक बार फिर से आप इस मोड को दबाते हैं तो ये जो कि अपने ऑक्स केबल में चला जाता है। तो इस तरह से इस जो कि मोड बटन का आपको यूज देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए इसे मैं ऑन करके दिखाता हूँ और आपको फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए चालू हो चुका है। जैसे कि मैं इस जो कि मोड को दबाता हूँ तो देखिए ये स्पीकर से क्या साउंड निकल के आ जाती है। तो इसका जो कि एफएम चालू हो चुका है। फिर से एक बार मैं इसे दबाता हूँ,
देखिए ऑस्का चालू हो चुका है और फिर से दबाने के बाद ब्लूटूथ चालू हो जाता है। वो जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो कि लैम्प देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसे फिर से दो बार टच करूँगा, एक बार टच किया ब्राइट हो चुका है, फिर से एक बार टच किया और भी ब्राइट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। अगर आपको इसको मतलब इसका कलर है उसे चेंज करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, इस जो कि पोर्शन को ऊपर टच कर इस तरह से आपको ये करना है। तो देखिए ये जो कि रेनबो टाइप चालू हो चुका है, अलग अलग कलर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से कलर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं इस जो कि लैम्प के साथ ही साथ। आपको इसको जो कि एक ही कलर में रखना है तो फिर से वही आपको टच कर इस तरह से करना रहेगा, और इस तरह से अगर आप इसे करते हो तो ये फिर से एक बार चालू हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हो। तो इस तरह से आप इसका जो कि यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी टू हैंड है। तो एक बार टच करेंगे कलर चेंज हो जाता है, एक बार फिर से टच करेंगे फिर से एक बार कलर चेंज हो जाते हैं इसके साथ ही साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए मैं इसके जो कि साउंड क्वालिटी एक बार मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह से इसकी जो कि साउंड क्वालिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ऑब्वियसली बात है 400 रुपये में देखने के लिए मिल जाता है, तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको साउंड देखने के लिए नहीं मिलेगी और ऊपर से लैम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप इसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, इतनी ज़्यादा लाउडनेस और जो कि इतनी ज़्यादा शार्पनेस जो कि स्पीकर के साथ में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिर भी मैं आपको एक जो है साउंड का टेस्ट देखा था। आप देख सकते हैं ब्लूटूथ में जाकर आपको जो कि BT स्पीकर नाम का जो कि एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर अगर आप टच करेंगे तो ये जो कि ब्लूटूथ स्पीकर पर कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए मैं एक बार इसके जो कि साउंड टेस्ट भी आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं चलता हूँ अपने जो कि म्यूजिक प्लेयर में, और म्यूजिक प्लेयर में जाने के बाद एक जो कि सॉन्ग में उसको जो कि प्ले कर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कि सॉन्ग है मैंने प्ले कर दिया है, और साउंड की वॉल्यूम देख सकते हैं मेरे यहाँ से फुल मैंने कर दी है। सो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये जो कि साउंड क्वालिटी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी अच्छी देखने के लिए मिल ही जाती है यार, 400 रुपये में और क्या चाहिए आपको। 400 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ ये जो कि लैम्प है वो रात में काफ़ी अच्छी तरह से जो कि विजिबल हो जाता है और देखने में एक अट्रैक्टिव लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे पर्सनली मैंने अपने जो कि सेटअप के साथ में रखने के लिए इसे मैंने कोई बाय किया था, क्योंकि मेरे सेटअप में कोई भी RGB वगैरह कलर का कोई भी लाइट्स वगैरह नहीं थे, वजह से मैंने बाय किया। यहां पर मुझे स्पीकर भी मिल गया और साथ ही साथ यहां पर मुझे लैम्प भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर इसे जो कि बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ऑब्वियसली बात है देखने के लिए मिल जाएगी। और इसकी साउंड क्वालिटी एक्चुअल में अच्छी है। मैं यहां पर जो कि कंडेंसर माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, इसी वजह से जो कि मेरा साउंड है उसे वो जो कि माइक्रोफोन है सिर्फ मेरा ही साउंड रिकॉर्ड करता है, ना कि स्पीकर का राउंड रिकॉर्ड करेगा। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि साउंड क्वालिटी लो वगैरह, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी और जो कि डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। तो बस सर इस वीडियो के साथ इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।